हेलो एवरीवन, आप लोग का वैकेंसी आई है बीपीएससी 68वीं एग्जाम 2023 में होने वाली है बीटी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप में से काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं जो पहली बार फॉर्म फिल करते हैं उनको तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैंने यहाँ एक एक करके काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होते हैं जो पहली बार फॉर्म फिल करते हैं, खास करके उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप लोग के लिए हम 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस से डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको अलग चैनल जो स्क्रीन पे दिखेगा, खाली का हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाए। केवल और केवल बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट ही हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं आप लोग का क्या क्या एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम पर बात करें, जो पहली बार तैयारी करते हैं कितना फॉर्म फिल हुआ, इसमें कन्फ्यूज होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। क्या करते हैं कि अपने समय को वेस्ट करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं यार कितना फॉर्म फिल हुआ है, कितने अपने दोस्त से अपने कलीग से यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं ताकि पता हो जाए कि कितना फॉर्म फिल हुआ, ये कोशिश करते हैं। इनके साथ कौन सी काम करवाया जाएगा सिलेक्शन होगा, तो ये सब पहले जो बच्चे पहली बार जब फॉर्म फिल करते ये सब प्रॉब्लम आती है। भाई सैलरी कितना मिल जाएगा, अगर इसमें ज्वाइनिंग हो जाए तो सैलरी कितना मिलेगा, ये भी काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन थे। पोस्टिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो पोस्टिंग कहाँ पे होगा, तो ये कन्फ्यूजन होता है। और साथ में प्रमोशन, क्या इसमें प्रमोशन होती है कि नहीं, थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र कर लेंगे। हाल ही में इससे पहले एक और वीडियो में हम इन सब के बारे में जिक्र कर चुके, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा और कट आउट, ठीक है। तो ये सब सारा एक स्टूडेंट के एक मन में डाउट होता है। इनके अलावा भी काफ़ी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच, तो आप लोग मेरे साथ बने रह सकते हैं। और ये चैनल पे आप लोग के लिए तो हम कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं करेंगे, बट हाँ बीपीएससी से एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट कर देंगे, तो सब्सक्राइब से भी कर लीजिएगा। हाल ही हम आप लोग के लिए अलग चैनल क्रिएट किए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। केवल और केवल वहाँ पे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट ही प्रोवाइड किया जाएगा, इनके अलावा कोई फिजूल का चीज़ नहीं, फिजूल का चीज़ इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम का डेट हो, कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन हो या कोई चीज़ बताना हो तो वो चीज़ बताए, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें जो एप्लीकेशन जो डेट है आप लोग का 25/11/2022 से आप लोग का फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा। याद रखिएगा जब फॉर्म स्टार्टिंग होगा तो काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो रात में फॉर्म फिल कीजिएगा, सर्वर का इशू नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट डेट कब है, 25/12/2022 को आप लोग का लास्ट डेट है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एग्जाम का, जो यहाँ पे बात करें फी का, लास्ट डेट कब है, 20/12, जो आप एग्जाम को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं 20 तारीख तक आप फॉर्म फिल जो पेमेंट है वो आप लोग कर देंगे, ठीक है ना। आगे फर्स्ट हम देखेंगे जनरल कैटेगरी, या आप जनरल से आते हैं, ठीक है, या अदर स्टेट्स के हैं, या ओबीसी वर्ग से आप लोग आते हैं, तो एप्लीकेशन फी कितना है, 600 रुपीज़ है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे। और साथ में अगर आप SC ST या आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, तो 1 कितना पैसा लगेगा, 150 रुपया लगेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। टोटल 281 वैकेंसी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जनरल में 129 है, ओबीसी में 39 है, ईओबीसी में 38 है, यहाँ पे ओबीसी फीमेल में 5 है, EWS में 25 वैकेंसी, और इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 281 हाली का वैकेंसी तो बहुत ही कम है, हमारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा फॉर्म फिल होगा, थोड़ा सा हम आगे इनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम आप लोग को बता दें यहाँ पे एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, एज है ना मिनिमम 20, 21, 22 साल तो होना ही चाहिए, मिनिमम एज आपके पास 20 साल है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आप 18 साल तो नहीं चाहिए ना, आप 18 साल को एक लड़का को यूथ को खड़ा कर दीजिए और एक 20 और 21 साल को खड़ा कर दीजिए, तो काफ़ी डिफरेंस है। आप अधिकारी, आपको कोई एक जोन दे दिया जाएगा, उसको आपको संभालना है, तो थोड़ा बहुत एज मैटर करता है, तो मिनिमम एज 20 साल तो होना ही चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम 37 साल और फीमेल का 40 साल यहाँ पे एज दिया जाता है, ठीक है। हाल ही का ये जो वैकेंसी होती है ना बिहार में बीपीएससी का, फीमेल बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। और थोड़ा सा और इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही करके काफ़ी कुछ थोड़ा सा सिलेबस जिक्र कर लें, और सिलेबस से पहले एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि अगर परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में अगर 5 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में है ना दो तीन शिफ्ट में आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और परीक्षा एक से अधिक पाली में हो सकता है, ठीक है, अगर 5 लाख से ज़्यादा हो। और यहाँ पर बात करें बिहार का जो जॉब है ना, अगर आप लोग बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी जो बिहार दरोगा या कोई अलग अलग विभाग में जॉब करते हैं जो ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट का सैलरी लेते हैं, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उनको 3 साल ही क्या, उनको 3 साल ही बेसिकली वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, ठीक है। अब जैसे कि आप यूपी में भी जॉब करते हैं, तो आप ये नहीं, मतलब कुल मिला के आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ना, है ना, तो उनके लिए केवल 3 साल ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, 3 बार के ज़्यादा बार फॉर्म फिल नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे,
ना आगे यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग देखने की कोशिश करें। नेगेटिव मार्किंग इस बार मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 5 भी है और नेगेटिव मार्किंग भी। चाहे ऑप्शन आप 4 कर दीजिए फिर नेगेटिव मार्किंग कर दीजिए, बच्चा 5 ऑप्शन लेके ऐसे भी कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जो थोड़ा सा पिछले साल के अपडेट, इस साल थोड़ा कुछ ज़्यादा अपडेट किया गया, ठीक है। इनके अलावा टोटल फॉर्म कितना हुआ, 150 क्वेश्चन हुआ, टाइम 2 घंटा हुआ, जिससे कि पीटी एग्जाम में होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। बीपीएससी अपना जीएस की, चाहे बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना, बीपीएससी अपना जीएस का है ना, पेपर 1 का कभी सिलेबस डिस्कस करके कभी बताती नहीं है ब्रीफली में। जैसे कि आप लोग का मेंस में ब्रीफली सिलेबस बता दिया जाता है ना, इनके अलावा बीपीएससी कोई अदर भी एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पे जैसे है ना कि 2 पेपर होती है हमेशा। बीपीएससी मैक्सिमम एग्जाम 2 पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2 होती है, ठीक है। तो पेपर 2 जो होते हैं वो ब्रीफली सिलेबस बता दिया जाएगा, बट पेपर 1 जो होगी ना वहाँ पे सिलेबस सिर्फ लिख दिया जाएगा सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट वाले पार्ट और बिहार वाला पार्ट आएगा, क्योंकि आप बिहार गवर्नमेंट को सेवा करते हैं तो ये सब चीज बेसिक पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें हम जो शॉर्ट टॉपिक कवर कराएंगे ना वो उस शॉर्ट टॉपिक मतलब शॉर्ट क्या वो चैनल ही केवल बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सारा आपको मिक्स होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि सुबह और शाम 2 टाइम आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा, मतलब क्योंकि हम अभी इस पर क्या होता है कि एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट में अपलोड करते हैं, सोचते हैं कि मॉर्निंग में भी अपलोड करें। खैर देखते हैं आगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग के भी। और ये कुछ मेंस का सिलेबस देख सकते हैं, और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, मेंस में GS1 GS2 300 नंबर का, ऑप्शन भी 300 नंबर का, हिंदी 100 मार्क का होता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए, मतलब 30% आपको आना चाहिए, ठीक है। हिंदी इतना मैटर नहीं करती, हिंदी का नंबर नहीं जुटता, बाकी 3 का नंबर जुटता है यहाँ पर। इनके अलावा देखिए कितना फॉर्म फिल होगा, देखिए ये काफ़ी सारे बच्चे के मन में डाउट आता है, जो कि खास करके जो पहली बार तैयारी करते हैं। तो हम आपको बता दें कि पिछले साल 6 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुआ था, लगभग 6 लाख के लगभग आप समझ सकते हैं फॉर्म फिल हुआ था। इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 लाख 6-7 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। और याद रखें कि एप्लीकेशन फी फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए 150 रुपया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो इस बार भी लगभग 6 और करीब 7 लाख भी पहुँच सकते हैं फॉर्म, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा हम आपको नहीं बता सकते, आप में से काफी सारे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज है ना, एग्जैक्ट डाटा का अगर बात करेंगे तो आयोग के पास होता है, आयोग कभी ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल के बताता है कि टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है। तो कोई भी इंसान आपको बताए या कोई टीचर बताए या कोई यूट्यूबर वाले सर आपको बताए तो वो भी इसी अकॉर्डिंग बताएंगे, जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिल करना उस दिन रजिस्ट्रेशन करता है, और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कितना फॉर्म फिल हुआ है। मगर आप ये चीज को समझेंगे, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को 2 बार फॉर्म भी फिल करते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट डाटा नहीं होता है, मैं फिर भी आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग इधर उधर ना भटके और थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ भाई 5 और 6 लाख बच्चे फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है, अब उसे एग्जाम में बैठना है, ठीक है। तो कुछ आप ये मान के चलेंगे, वर्क कौन सा काम कराएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में आपको वर्क की डिटेल में जानकारी देना चाहिए। आप घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और घर से बाहर निकलेंगे आपके ऑफिस में SDM ऑफिस होगा या DYSP ऑफिस होगा, या गाँव में होते होंगे तो BDO का ऑफिस देखते होंगे, CEO का ऑफिस देखते होंगे। बस जाहिर सी बात है, अगर आपका सिलेक्शन होगा ना तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो का काम क्या होता है, सेम वही काम आपको होगा, इसी तरह आपको गाड़ी दिया जाएगा, इसी तरह आपको गार्ड दिया जाएगा, इसी तरह आपका ऑफिस होगा, बस ऐसे आप देख सकते हैं। हाल ही का इनसे रिलेटेड ही हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे विभाग, उद्योग विभाग है, कई सारे विभाग है, फाइनेंस में किसी एक विभाग में दे दिया जाएगा, एक ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा तो आप एक लोड नहीं, एक अधिकारी के रूप में ही काम करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग देखा ना जाता है, मतलब जैसे 281 है तो 281 में कुल मिला के जो आप एक अधिकारी बनेंगे ना, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए, कल के डेट में गवर्नमेंट कई सारा लोग को कल्याण करने के लिए, अकेले तो कल्याण नहीं कर पाएगा ना, तो उनके लिए सपोर्ट करना के लिए क्या होता है कि आप लोग को नियुक्त किया जाता है, और आप लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट के नियम कानून या बहुत सारी योजना है उनको आप लोग सपोर्ट करेंगे कुल मिला के। जैसे कि अगर हम बात करें कि सड़क एवं परिवहन मंत्री है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि सड़क नाली जहाँ नहीं है वहाँ बनाना, ठीक है। तो उनके लिए क्या करें, कुछ पैसा देगा, तो कुछ पैसा वहाँ किसे देगा, तो वहाँ पे जो भी आप वीडियो ग्रुप में तैनात होंगे उनके पास पैसा देता है, वो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ठेकेदार है उन्हें देके फिर उनको काम करवाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के होता है ना कि जनता कल्याण करने के लिए आप लोग यहाँ पे बनते हैं, कुल मिला के सरकार को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्कस ना करें तो आप लोग समझ पाइएगा बेसिक चीज़ें, घर से बाहर निकले और देखिए कैसे अधिकारी होता है यहाँ पे। इनके अलावा और छोटा छोटा आप रील्स वगैरह भी देखते होंगे अधिकारी का। नाउ सैलरी क्या होता है, ये भी काफ़ी सारे एक बच्चे की डाउट होता है कि भाई सैलरी का, तो याद रखिएगा, ठीक है, इस जब भी इस फील्ड में जॉब लगता है ना तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे पूछते हैं भाई सैलरी से क्या, सैलरी मैटर नहीं करती, इसमें इतना सारा आपको इज्जत रिस्पेक्ट प्लस इतना ज़्यादा आपको मिलेगा ना, तो सैलरी भी आप लोग भुला जाते हैं। हालांकि सैलरी आप समझेंगे 50,000 से ऊपर आपका सैलरी होगा, बस कुल मिला के ये समझेंगे। इनके अलावा फैसिलिटी वगैरह भी
अच्छा खासा आप लोग को दे दिया जाता है, ठीक है, जिससे सैलरी मैटर नहीं करता है, आप भूल जाते हैं। बाकी इनके अलावा आप जो भी कमाते हैं, खैर हम इनके बारे में नहीं बताने वाले हैं, आप लोग समझदार हैं, अच्छा खासा आप लोग कमा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस सिलेक्शन होने पर देरी होता है, बाकी तो इनकम ही इनकम है इसमें, ठीक है। इनके अलावा हम बात करने वाले हैं क्या इसमें पोस्टिंग कहाँ पे होगा। देखिए इनका जो पोस्टिंग है ना, जाहिर सी बात है बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो पोस्टिंग बिहार में ही कराएगा, ना कि यूपी में, ना कि झारखंड में। बिहार से बाहर आपको कभी नहीं भेज सकता है। हाँ, ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, तो ट्रेनिंग के रूप में बाहर भेज सकता है, भेज सकता है, हालांकि उसके लिए भी बाहर नहीं भेजा जाता है। सारा कुछ पोस्टिंग आपका बिहार में होगा, बिहार के दो पार्ट में। आप अगर बात करें बिहार को दो पार्ट में बैठा हुआ है ना, एक साउथ एक नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ बिहार से हैं या साउथ बिहार से हैं तो उल्टा कर देगा, ठीक है। देखिए इस वाले को यहाँ पे डाल देगा और इस वाले को यहाँ पे डाल देगा, नॉर्थ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ में डाल देगा, इसको वेस्ट में इसको इस तरह डाल जाएगा, ठीक है। और फाइनली लास्ट में कहाँ पे आके आपको रोक देगा, लास्ट में ना आपको सचिवालय में जाकर बैठा देगा। सचिवालय में लग जाएगा तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, फिर आप सेंटर में आके बैठ जाएंगे। कुछ इसी तरह पोस्टिंग वोस्टिंग होता रहता है ना, हमारा पोस्टिंग वगैरह होता है जरूर आप लोग का यहाँ पे, ठीक है। हर 3 साल पे 4 साल पे पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक जगह फिक्स नहीं रह सकते हैं। खास करके पुलिस विभाग में आ गए तो और भी ज़्यादा आपको शांति नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्जाम आप लोग का फरवरी में होना है, मेंस का भी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है मेंस का कब होने वाला, मैं देख नहीं पाया था, तो सारा कुछ क्लियर है। तो आप लोग जानते हैं कि इनका 1 साल के अंदर आपका इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2023 में एग्जाम होने वाले हैं ना, तो आप 2024 में समझेंगे आपका 100% आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग वगैरह, हालांकि 2023 ही मानेंगे, ठीक है। तो आपके 1 साल के अंदर आपका हर चीज़ हो जाएगा, कभी कभी लेट भी हो जाती है, तो खैर इसीलिए हम 2024 तक मानते हैं कि आपको ज्वाइनिंग होगा। मैं 2024 के ना मतलब लगभग जनवरी फरवरी एक साल समझेंगे, फरवरी टू फरवरी मैच करेंगे ना, तो ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा संयम रखेंगे, ठीक है, तैयारी वगैरह अच्छा करेंगे। यहाँ पे कटअप कितना जाएगा, तो कटअप के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि 2-3 दिन पहले ही कटअप जारी किया गया था, जो कि जनरल का 113 काफ़ी ज़्यादा कटअप गया था। मतलब ऐसा कटअप नहीं जाना चाहिए, अब आयोग मालूम नहीं चाहे प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन आप किस रूप में सेक करते हैं, तो कटअप कितना जा रहा है या क्वेश्चन का लेवल लीजिए, जबकि कटअप इतना नहीं जाना चाहिए आप, ठीक है। कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है, 113 कटअप फीमेल का, 109 कटअप है, EWS का 109 है, EWS फीमेल में 105 कटअप है। थोड़ा सा OBC के बारे में चर्चा करते हैं, EBC का 109 है, EBC फीमेल में 102 है, यहाँ पे SC में देखिए 109 है, सॉरी 104 यहाँ पे, और ऐसे फीमेल 93 यहाँ पे। तो कटअप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। इनके अलावा कोई और भी आपके मन में डाउट है या कोई भी चीज़ और भी पूछना है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, न्यू चैनल का जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आपको डाउनलोड टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.